हे गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैमरा सेटिंग के बारे में। आज की इस वीडियो में आपको इस फोन के कैमरा सेटिंग दिखाने वाला हूं। सो गाइस, वीडियो को एंड तक देखना है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना है, जिससे कि आपको हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर कैमरा को ओपन कर लेते हैं। कैमरा को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपका ये नॉर्मल कैमरा रहता है। इसके बाद यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर सबसे इधर जाना है, नाइट मोड मिल जाता है। इससे क्या होता है, अगर आप रात के समय फ़ोटो को शूट करते हैं हल्की रोशनी में, तो ये काफ़ी अच्छे फ़ोटो शूट करता है। ओके, यहाँ से आप वीडियो शूट कर सकते हैं। फ़ोटो प्रोट्रेट में क्या होता है, अगर आप कोई फ़ोटो शूट कर रहे हैं और आप पीछे का ब्लर करना चाहते हैं, तो यहाँ से आपको पीछे का ब्लर हो जाता है फ़ोटोशूट में। यहाँ से आप 50 मेगापिक्सल का कैमरा को यूज कर सकते हैं। और यहाँ से मोर के ऑप्शन पर क्लिक करना है, तो यहाँ से आपको डुअल व्यू वीडियो मिल जाती है, स्लो मोशन का ऑप्शन मिल जाता है, और टाइम लैप्स, मूवीज़, एक्सपर्ट, ये सारे ऑप्शन आपको इस फ़ोन में मिलते हैं। तो यहाँ से आप स्लो मोशन की वीडियो बना सकते हैं, डुअल व्यू वीडियो बना सकते हैं, जैसे कि दो व्यू जो दिखें अलग अलग। तो इस तरीके से आप अपने फ्रंट कैमरा का भी और पीछे का भी दोनों आपका फ़ोन में दिखता है। तो इस तरीके से आप डुअल यहाँ से वीडियो बना सकते हैं। बाकी यहाँ से आप स्लो मोशन भी वीडियो बना सकते हैं। तो ये कुछ फ़ोन की यहाँ पर ये सेटिंग थी। बाकी यहाँ से आपको बैक जाना है और यहाँ पर सेटिंग पर क्लिक कर देना है। और यहाँ से आपको मिल जाता है वाटर मार्क, तो वाटर मार्क पर क्लिक करेंगे, इसे इनेबल कर देंगे, तो क्या होता है, आपके फ़ोन में आपका वाटर मार्क आ जाता है आपके नाम का या फिर आपके मॉडल नेम का। तो यहाँ पर ऑथर नेम पर आप अपना नाम लिख सकते हैं, अपना मोबाइल का नाम भी लिख सकते हैं। तो अभी यहाँ पर ASH लिख दिया और पूरा नाम लिखना पड़ेगा क्या। ओके, तो मॉडल नेम पे भी क्लिक कर देते हैं। ओके, यहाँ से बैक चलते हैं। अब एक फ़ोटो को शूट करते हैं। तो आई होप कि आप इस देखिए, जैसे कि यहाँ पर रियलमी शूट बाई आस मोहम्मद। तो इस तरीके से आप दोनों ऑप्शन ऑन करेंगे, तब आपका नाम और यहाँ पर रियलमी शूट बाई आस मोहम्मद, इस तरीके से पूरा वाटर मार्क आता है। बाकी यहाँ से आपको बैक जाना है, सेटिंग पर क्लिक करना है, यहाँ पर वॉल्यूम बटन पर क्लिक करना है। क्या होता है, अगर आप वॉल्यूम बटन से फ़ोटो को शूट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप कर सकते हैं, और अगर नहीं करना चाहते तो यहाँ से बंद भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर शूटर साउंड ऑन रहने देते हैं तो ठीक है, अगर आप बंद करना चाहते हैं तो यहाँ से बंद भी कर सकते हैं। जैसे कि कोई फ़ोटो शूट करते हैं तो उसमें एक साउंड बजता है, उस साउंड को आप यहाँ से बंद कर सकते हैं। और यहाँ से आपको मिलता है लोकेशन का ऑप्शन, अगर आप जहाँ भी फ़ोटो शूट करते हैं उसका लोकेशन आप इसमें ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वरना यहाँ से आप इसे डिसइनेबल भी कर सकते हैं। बाकी यहाँ से आपको मिल जाता है शूटिंग मेथड, तो इस पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको इसे इनेबल कर देना है। तो क्या होता है, कहीं भी आप फ़ोटो पर क्लिक कर देंगे तो आपका फ़ोटो शूट हो जाएगा। और आप इसे इनेबल करते हैं तो फ्रंट कैमरे से आप फ़ोटो को शूट करेंगे तो आप केवल हाथ इस तरीके से दिखाएंगे और आपका फ़ोटो शूट हो जाता है ये ऑप्शन ऑन करने के बाद। गाइज, यहाँ से आपको बैक जाना है। बैक जाने के बाद यहाँ पर आपको मिल जाता है एक टाइमर। अगर आप जैसे फ़ोटो शूट करते हैं दूर से, तो यहाँ पर आप 3 सेकेंड या 10 सेकेंड का टाइम लगा सकते हैं, जैसे 3 सेकेंड या 10 सेकेंड। तो अभी हमने 3 सेकेंड का टाइम लगा लिया, जैसे फ़ोटो पर क्लिक कर दिया, अब हम अपनी पोजीशन में चले जाएंगे और फ़ोटो 3 सेकेंड बाद शूट हो जाता है। जैसे दूर फ़ोटो रख देते हैं, कैमरे को दूर रख देते हैं और फ़ोटो शूट कर लेते हैं। यहाँ से आप HDR का ऑप्शन ऑन कर सकते हैं और यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो क्या होता है, अगर आप रात के समय फ़ोटो को शूट कर रहे हैं तो यहाँ पर ऑटो पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक नाइट के समय कहीं अंधेरे में फ़ोटो शूट करेंगे तो ऑटोमेटिक फ्लैश लाइट ऑन हो जाएगी, और उजाले में अगर फ़ोटो को शूट करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये फ्लैश लाइट ऑन नहीं होगी, ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। अगर आप इसे ऑन कर देंगे तो क्या होगा, आप चाहे रात में फ़ोटो खींचें या फिर दिन में, आपकी फ्लैश लाइट ऑन होगी ज़रूर। बाकी यहाँ से आपको कुछ फ़िल्टर मिल जाते हैं, इस वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो यहाँ पर कुछ फ़िल्टर आपको मिल जाते हैं जो कि आप अपने फ़ोटो पर लगा सकते हैं। सो गाइज, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।